हेलो दोस्तों, आज हम स्मॉलेस्ट डॉग सीरीज के तीसरे पार्ट में पग डॉग्स के बारे में जानेंगे। ये डॉग्स इंडिया में वोडाफोन डॉग्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एक पग डॉग लेने से पहले आप सभी के मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि इन डॉग्स का प्राइस इंडिया में कितना हुआ। तो दोस्तों, इनके प्राइस रेंज के बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं इन डॉग्स के बारे में। पग्स दुनिया के मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग में से एक होते हैं। ये साइज में छोटे और काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। पग्स मोस्टली जाने जाते हैं सोशिएबल और जेंटल कॉम्पेनियन डॉग के रूप में। इन्हें खेलने और फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए काफी कम जगह की जरूरत होती है। साथ ही पग्स छोटे घरों और अपार्टमेंट्स में भी आसानी से रह सकते हैं। अगर आपका डेली शेड्यूल काफी बिजी है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पग्स को अन्य ब्रीड्स की तरह अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन ये डॉग्स घर पर अकेले रहने के आदी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि एक फैमिली डॉग ब्रीड है। इसीलिए आप इन्हें घर पर अधिक समय के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। इन डॉग्स की एवरेज हाइट 10-13 inches और 6-8 kgs तक होता है, और वहीं एक हेल्दी पग का लाइफ स्पेन टाइम 12-15 ईयर तक होता है। ये तो थी इस ब्रीड से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इनके मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट और प्राइस रेंज के बारे में। पग्स का प्राइस इंडिया में अराउंड 10,000-25,000 के बीच होता है, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं और किस पेट शॉप या ब्रीडर से आप इन्हें खरीदते हैं। एक अच्छे डॉग ओनर होने के नाते आप हमेशा यही चाहेंगे कि आप अपने डॉग को एक हेल्दी फूड ही दें, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, जिसमें आपका मंथली खर्चा 3-5,000 तक हो सकता है। और ध्यान रहे, इन्हें ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करवाएं, वरना इनका वेट काफी तेजी के साथ बढ़ सकता है, जिससे इनको हेल्थ प्रॉब्लम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो पग डॉग एक बेहतरीन और काफी किफायती डॉग ब्रीड है। अगर आप एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड लेने की सोच रहे हैं तो आप भी इन डॉग्स की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।